अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वहाज और यमुना की जोड़ी इतनी ज़्यादा हद तक मकबूल हो चुकी है कि इनका ड्रामा तेरे बिन रमज़ान और मुबारक में भी उसकी शूटिंग जारी है, क्योंकि इस ड्रामे को देखने वाले बहुत ज़्यादा इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए तड़प रहे होते हैं। ड्रामा तेरे बिन से मीरब और मौसम की जोड़ी इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी जोड़ी बन चुकी है जिसके बारे में आम व्यूअर से लेकर ड्रामे के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी बात कर रहे हैं। इसको ना सिर्फ पाकिस्तान में देख रहे हैं लोग, बल्कि भारत से भी बहुत से अदाकार जैसे शाहरुख खान और सलमान खान भी इसके फ़ैन निकले, और वो भी अपने इंटरव्यू में इस ड्रामे को बोल पड़े कि ये इतना अच्छा ड्रामा है। और वहाँ इंडिया में बहुत से देखने वाले ये सर्च कर रहे हैं कि मौसम का किरदार करने वाला ये पाकिस्तानी एक्टर कौन है, इस लड़के को भारत बुलाकर हमारी फिल्मों में भी काम दिया जाए। रमज़ान अल मुबारक के में ड्रामास की टाइमिंग्स इश्यूज़ की वजह से शाम के टाइम हमें बहुत सारे मेजर्स और मेन ड्रामा बंद होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रमज़ान के छोटे मजाया ड्रामे लगते हैं। मगर तेरे बिन की जगह किसी ड्रामे को देना बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इस ड्रामे का किसी और से कोई मुकाबला नहीं बनता। हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स रोज़ा रख कर भी ड्रामा सेट पर शूटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि क्योंकि रमज़ान में दिन के टाइमिंग ही शूटिंग की जाती है, क्योंकि असर के बाद तमाम ड्रामा सेट्स को बंद कर दिया जाता है। ड्रामा सेट को बंद करने की बड़ी वजह यह है कि सब अदाकार अपने अपनी फैमिली के साथ इफ्तार करते हैं, सब अदाकार अपने अपने घरों में फैमिली के साथ इफ्तार करते हैं। तेरे बिन के बहुत से मेजर सीन्स भी रमज़ान में ही शूट किए गए हैं। ड्रामा की आखिरी किस्त की शूटिंग भी हो चुकी है, मगर वो सीन जो साथ साथ डायरेक्टर्स की जानिब से ऐड किए जाते हैं वो हर न्यू किस्त में शूट कराए दिखाई दिए जाते हैं। तेरे बिन के सेट से कुछ यादगार मनाजिर भी स्क्रीन्स पर दिखाए जाते हैं जहां यमुना और वहाज एक दूसरे के साथ से डिस्कस कर रहे हैं। इस ड्रामा तेरे बिन की आखिरी किस्त की भी शूटिंग की जा चुकी है, लेकिन अभी उसको वायरल नहीं किया जा रहा। इसके हम कुछ यादगार मनाजिर भी यहाँ देखते हैं, जहाँ यमुना जैदी मनाजिर के पीछे बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करती हुई दिखाई देती है, जिसमें वो अपने फैंस के साथ मस्तियाँ कर रही है और शूटिंग कर रही है। क्योंकि ड्रामा तेरे बिन की सबसे ज़्यादा मकबूल होने की बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ यमुना और वहाज की जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। यमुना और वहाज की एक्टिंग ने ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टिंग के सब रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले हैं, और ये इतनी हद तक मकबूल किया जा चुका है कि रमज़ान और मुबारक के महीने में भी इसकी शूटिंग जारी है, इसको बंद नहीं किया जा रहा। तो चलो व्यूअर्स, देखते हैं कि अगली किस्त में होता है क्या। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।